नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जीवन कौशल के रिलेटेड जो वीडियो हमारी बन रही थी, मैंने आपको बता दूं कि लेशन पांचवा जो है मैं आपको पढ़ा रहा था जीवन कौशल में, और यह जीवन कौशल का लास्ट टॉपिक था। इसके अंतर्गत मैंने पार्ट वन की जो वीडियो है वो बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये आप लोगों के लिए वीडियो है। तो ये वीडियो हमारे जीवन कौशल के अंतर्गत दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग का पार्ट टू है। पार्ट वन पहले अपलोड कर चुका हूँ, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उसमें जीवन कौशल का वन लाइनर का पार्ट दिया गया है, उसी के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट हमारा सहायक अध्यापक जो प्राथमिक स्तर सुपर टेट की भर्ती आती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करिएगा। तो चलिए दोस्त, पॉइंट पहले पर चलते हैं। शिक्षा के व्यावसायिक गुणों में शामिल है तो व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक निष्ठा जो होती है, लगन जिसको कहते हैं, वो इसमें शामिल किया जाता है प्रमुख गुणों के अंतर्गत, शिक्षा के व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत ये माना जाता है। अगला पॉइंट, शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया है तो वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 की आई थी उसने शिक्षक की जो जवाबदेही होती है अपने प्राथमिक स्तर पर उसको देने पर सबसे ज्यादा बल देने का कार्य ये 1986 का राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने दिया है, ध्यान रखिएगा। छात्रों के वर्गीकरण के आधार हैं तो मानसिक आयु, रुचि, कलानुसार आयु जो होती है वही उनको वर्गीकरण का आधार माना जाता है, बाकी और किसी आधार पर आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। उन्नति के भेद हैं तो वार्षिक उन्नति, त्रैमासिक उन्नति और प्रशिक्षण उन्नति, ये उन्नति के भेद माने जाते हैं। भवन योजनाओं को विभक्त किया जाता है तो दो पार्ट में विभक्त किया जाता है। स्कूल योजनाओं में निम्न योजनाएं आती हैं तो कौन कौन सी, ई आती है, कभी एच आता है आकार का, कभी आई, कभी टी या यू, वाई, एल, इतने आकार की जो योजनाएं हैं स्कूल के लिए जो भवन निर्माण की वो आती हैं, स्पेशली प्राथमिक स्तर के लिए तो ई ही आती है। अगला पॉइंट, बंद योजनाओं में आधार की योजनाएं आती है तो ठोस आयताकार, शून्य आयताकार के रूप में जो है बंद योजनाओं के आकार की योजनाएं आती हैं, तो ध्यान रखिएगा। विद्यालय की स्थिति स्थान पर होनी चाहिए तो विद्यालय की स्थिति स्थान पर क्या होना चाहिए, तो ऐसा स्थान जहां जलवायु भूमि न तो अधिक शुष्क हो और न ही अधिक नम हो, ऐसी स्थिति वहां का होना चाहिए भवन निर्माण के लिए, विद्यालय के लिए। ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है तो डेस्क के नीचे घुसी हुई होती है, सबको ये पता है। कुर्सी की सीट की गहराई होती है तो वो 3 से 4 इंच लगभग होती है, ध्यान रखिएगा, कुर्सी की गहराई की बात हो रही है। कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जाती है तो क्षैतिज रूप में, शीर्षात्मक रूप में और अर्ध गोलाकार के ढंग से किया जाता है, जो सीटों का व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो। म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के म्यूजेस से मानी जाती है जिसका अर्थ है कला, संगीत, विज्ञान आदि की प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियां इसको मानती हैं, कला, संगीत और विज्ञान जो है म्यूजियम को मानती है, इसका अर्थ भी माना जा सकता है। अगला पॉइंट, संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का संग्रहण कक्ष, प्रशिक्षण प्रदर्शन कक्ष और सूचना कक्ष माना जाता है संग्रहालय को, तो ध्यान रखिएगा। तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों में विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है वर्कशॉप और कार्यशाला की बात होती है, तकनीकी और व्यवसायिक कौशल की जो विकास की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए वातावरण तैयार किया जाता है तो उपयुक्त एवं अनुकूल व्यवहारिक कार्यों हेतु
प्रभावी अनुसंधात्मक प्रवृत्तियों के विकास हेतु प्रयोगशाला का जो है अनावरण या वातावरण तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति माना जाता है लैटिन भाषा के लिब्रलीज द्वारा। ठीक, पुस्तकालय के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जाते हैं, तो पुस्तकालय दिवस मनाए जाते हैं, पुस्तकालय की विषय अनुसार प्रदर्शनियां लगाई जाए, सूचना पट पर पुरस्कार पुस्तकों के मुख्य पत्र पुनर्निरीक्षण अध्ययन सामग्री सूची प्रस्तुत की जाती है। ये सब जो है पुस्तकालय के अधिकारी जो होते हैं उपयोग पुस्तकालय की अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब किए जाते हैं कि जो भी बच्चे हों वो पुस्तकालय में जाएं, इन सब का जो जानकारी हो उनको मिले, इसके लिए ये सब किया जाता है। जो भी प्रदर्शनियाँ सूचनाएँ सभी लगाए जाते हैं। पुस्तकालाध्यक्ष के गुण होने चाहिए चार युय, मिलनसार और उत्साह के रूप में जो पुस्तकालय के अध्यक्ष होते हैं उनका गुण होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि खेल के मैदान में तथा छात्रावास में बालक एक दूसरे से जो पाठ सीखते हैं वे विद्यालय में सीखे गए पाठों से 100 गुना अधिक उपयोगी होता है। ये कथन जीन जो किविस रूसों का है, जीन जीवो किस रूसों का ये कथन है, तो ध्यान रखिएगा शॉर्ट फॉर्म रूसो ध्यान रखिएगा। छात्राध्यक्ष के गुण होने चाहिए कुशल संगठनकर्ता, न्यायप्रियता और नेतृत्व करने की क्षमता उसके अंतर्गत होना चाहिए छात्राध्यक्ष के अंतर्गत। अगला पॉइंट है कि छात्रों में निम्न रजिस्टर होने चाहिए, संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक और प्रवेश रजिस्टर। ये छात्रों के निम्न रजिस्टर होने चाहिए। विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है तो संदर्भ के लिए, निर्देशन के लिए और आयोजन के लिए इसका उपयोग होता है। सर्विस बुक है, कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख जो है सर्विस बुक माना जाता, जिसमें उन अधिकारियों की पूरी डिटेल रखी जाती है। विद्यालय इतिहास में से संबंधित सूचनाओं का लेख रखा जाता है विद्यालय कैलेंडरों में। जनरल लेजर अभिलेख का प्रकार है, वित्तीय जो अभिलेख होता है उसका एक प्रकार माना जाता है जनरल लेजर अभिलेख। पत्र प्राप्ति रजिस्टर है, प्रशासनिक अभिलेख के अंतर्गत इसको माना जाता है पत्र प्राप्ति रजिस्टर को। बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है सचिव अभिलेख या संचित अभिलेख जिसको कहते हैं, उसमें इसको लेखा जोखा बच्चे के रखा जाता है। कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान कहा है, तो राय बर्न महोदय ने कहा है कि जो कार्यालय होता है ना वो विद्यालय का नाड़ी संस्थान माना है राय बर्न महोदय ने। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से भाई, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन और विद्यालय की साज सज्जा की उपयुक्त व्यवस्था का ध्यान जो है प्रधानाध्यापक को रखना है। तो ध्यान रखिएगा करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुआ है, करिकुलम जिसका अर्थ होता है पाठ्यक्रम अर्थ होता है। और अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करता है, यह वाल्टर सी महोदय का कथन है। तो कथन को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार बनाया जाता है, जो भी विषय में संबंधित होता है उसी को विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कक्षा छः से आठ तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्यों को रखने का सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977 के तहत दिया गया है। और अगला पॉइंट, समान तालिका में निर्माण ध्यान रखना चाहिए, तो विषयों का क्रम, छात्रों का थकावट का समय और समय चक्रों के क्रम का जो समय तालिका जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में विद्यालय 7 बजे से शुरू किया जाए ना चाहिए, वो स्पेशली होता है आप लोग देखते ही होंगे।
समय तालिका में निर्माण में शिक्षकों के हित, विद्यालय के उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग व शिक्षक विभागीय नियमों का ध्यान रखा जाता है। ये जो शिक्षण समय तालिका जो बनाई जाती है विद्यालय में। अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आधारित होती है, तो नियोजन के सिद्धांत पर जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, पाठ्यक्रम से अलग की जो क्रियाएं होती हैं उसको नियोजन के सिद्धांत पर रखा जाता है या आधारित होती है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं निम्न की पूर्ति में सहायक होता है, व्यक्तिक सामाजिक किशोरावस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति में ये सहायक होता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो ध्यान रखिएगा इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं सहायक है नैतिक गुणों के विकास के लिए, अनुशासन स्थापित करने व विशेष रुचियों को विकसित करने में जो है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, जो कि खेल को कहते हैं, अलग जो एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों से, उसी को कहा जाता है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। साहित्य पाठ्य सहगामी क्रियाएं, वाद विवाद, कविता प्रतियोगिता, ये साहित्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन की पाठ्य सहगामी क्रियाएं का प्रकार है शैक्षिक एवं साहित्यिक के अंतर्गत इसको रखा जाता है। और नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं सामूहिक खेलों मॉडल सदन होने संसद होना चाहिए, ये नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब आप लोग BTC का प्रशिक्षण किए होंगे तो उसमें स्काउटिंग कराया गया होता और उसी में आपको बताया जाता है कि स्काउटिंग के जन्मदाता कौन थे, तो याद रखिएगा सर रॉबर्ट वेडल पावेल थे स्काउटिंग। भारत में स्काउटिंग का अपनाया गया 1911 में इसको भारत में अपनाया गया था। और BEd के स्काउट गाइड में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लड़के या लड़कियां कहलाते हैं रोवर या रेंजर उनको कहा जाता है। जब आप स्काउट गाइड के होंगे ना तो उसमें वो जो स्काउट गाइड कराता है वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया होगा। हम भी स्काउट गाइड किए हुए हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है। समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आती हैं तो समाज सेवा क्लब, जूनियर रेड क्रॉस, प्राथमिक चिकित्सालय दल और श्रम दान, ये सब आ जाते हैं समाज कल्याण संबंधी जो क्रियाएं के अंतर्गत बात किया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियां, साक्षात्कार जिसको इंटरव्यू कहते हैं, प्रश्नावली और अभिलेख, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण, ये सब मूल्यांकन की प्रविधियाँ मानी जाती है, मूल्यांकन करने का तरीका माना जाता है। परीक्षण प्रविधि के भेद हैं तो मौखिक परीक्षण, प्रायोगिक परीक्षण, कागज पेंसिल और निबंधात्मक परीक्षण, ये परीक्षण प्रविधि के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भेद, प्रत्यास्मरण, अभिस्वीकारात्मक पद या प्रश्न, ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। और साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की स्मरण शक्ति की जांच की जाती है, जो रटाया जाता है बच्चों के लिए वो उसको स्मरण शक्ति की जांच किया जाता है उसमें। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में छात्रों को सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटने होता है। आप लोग भर्ती में भी इस चीज़ों को देखते होंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न उपयुक्त प्रश्न विकल्प ही आपको चुनना पड़ता है। और अगला पॉइंट, वर्तमान परीक्षण पद्धति में सुधार लाने के लिए लघु उत्तरात्मक उद्देश्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र के स्थान दिया जाए, सत्रीय कार्यों को पर्याप्त महत्व प्रदान किया जाए। परिनिरीक्षण या पर्यवेक्षण का अर्थ होता है शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृत्ति तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। तो निरीक्षण पर्यवेक्षण का मतलब कि शिक्षक का विकास करना, शिक्षण का विकास करना और बालक की अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिवृत्ति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, यही पर्यवेक्षण या निरीक्षण का अर्थ होता है। निरीक्षण से संबंध में कथन सत्य, त्रुटि निकालने की प्रक्रिया, जो भी त्रुटियां होती है ना वो निरीक्षण के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। पर्यवेक्षण होता है उपचारात्मक, नियमित और लोकतंत्री होता है पर्यवेक्षण। तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षण की स्थिति होती है तो सहयोगी नेता की हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में ये इस चीज का होता है। प्रशिक्षण निरीक्षण होता है तो अनौपचारिक और अस्वाभाविक, अल्पकालिक और आध्यात्मिक होता है, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि पर्यवेक्षण या निरीक्षण का कार्य क्षेत्र होता है तो सामान्य प्रशासन, शैक्षिक कार्य, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन अनुसंधान होता है, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट है कि पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, इसका मुख्य लक्ष्य होता है। पर्यवेक्षण की व्यक्तिगत विधियाँ होती है निर्देशन, निर्देशित निरीक्षण, साक्षात्कार, क्रियात्मक अनुसंधान एवं व्यक्तिक रूपों में समस्याओं का समाधान करना, ये पर्यवेक्षण का व्यक्तिक जो विधियां मानी जाती है। और अगला पॉइंट है कि डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से हुआ है, और डिसिप्लिन शब्द की लैटिन भाषा से डिसिप्लिना शब्द से हुआ, जिसका अर्थ अनुशासन या व्यवस्था का, व्यवस्था या नियम कह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जॉन डीवी की एक परिभाषा है, जिन कार्यों को करने में परिमाण या निष्कर्ष निकलते हैं उन कार्यों को समाज एवं सहयोगी दल के से करने पर अपने ही ढंग एवं स्वरूप का अनुशासन उत्पन्न होता है, यह जॉन डीवी महोदय का कथन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं, हमारा पार्ट टू भी जो है समाप्त हो गया। या तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।